ये वाला जो कॉर्नर होता है ना उससे लगा था। मेरी मम्मी ने मुझे से चप्पल फेंक के मारी थी। आपके सारे आउटफिट पे जाने वाली है, इंडियन पे, वेस्टर्न पे, इवन आपको कलर्स के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा कि व्हाइट कलर में है। और जो इनका ट्रांसपेरेंट है ना वो बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका ये जो आगे से ही मिल रहा है ना, सो उससे ना मेरा जो पंजा है वो बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। बहुत 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 ही ज्यादा प्यारी लग रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर सुपर डुपर अफोर्डेबल वीडियो। सो आज के अफोर्डेबल वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीशो से फुटवेयर्स, वो भी हील्स। यस गाइस, आई एम नॉट अ हील पर्सन, मैं कभी भी हील्स वगैरह वेयर नहीं करती हूँ, बट मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी प्लीज 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 कुछ अफोर्डेबल हील शेयर करो जो कि आने वाले फेस्टिव सीजन में भी अप्रोप्रिएट हो, जो कि इंडियन पे, वेस्टर्न पे, सब पे काम करे और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल हो। सो डोंट वरी गाइज, आप कुछ बोलो मैं वो कम्प्लीट ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बोली है कि मेरा हॉल काफी ज्यादा अफोर्डेबल रहता है, सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। लाइक क्या मैंने चार हील्स ऑर्डर की हैं और चारों ऐसी है ना कि आपके सारे आउटफिट पे जाने वाली है, इंडियन पे, वेस्टर्न पे, इवन आपको कलर्स के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं किसके साथ क्या मिक्स एंड मैच करूं, किसके साथ क्या पेयर करूं। सारे मैंने कलर्स ना काफी ज्यादा न्यूट्रल साइड में रखे हैं, सो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो फर्स्ट इज दिस ब्लैक वन, वेलवेट का इस पे कुछ टेक्सचर मिल जाएगा और ना ये वाला जो पैटर्न है ना इसमें ऐसे एडी के ऊपर से ऐसे घूम के आ रहा है, सो उससे क्या है काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है पर्सनली मुझे भी, क्योंकि हील मुझे उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती इसीलिए मैं वेयर नहीं करती हूँ। और अगर मेरे जैसे बंदे को ये कंफर्टेबल फील हो रही है तो इट मींस एक्चुअली में कंफर्टेबल है। और ये कुछ ऐसी हील मिल जाती है, कुछ आई थिंक इनको ब्लॉक हील बोलते हैं, लगा है मैं आई थिंक इसको ब्लॉक हील बोलते हैं, देखो मेरे को पता नहीं है हील्स वगैरह के नाम, मुझे बस अच्छी लगी सो मैंने ऑर्डर कर ली। क्वालिटी इनकी प्राइस अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा सही लगी है, अंडर 400 मेरे को अच्छी लगी है। ऑल्सो इसके अंदर कलर ऑप्शंस भी थे बट मैंने ब्लैक पिक किया कि एक ब्लैक हील तो होनी चाहिए। बाय द वे मैंने 5 ऑर्डर किया है साइज अपना और मुझे परफेक्टली फिट भी हुआ है। ओके सो नेक्स्ट हील जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वन ऑफ माय फेवरेट है, वो है ये वाली हील्स जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। ये ना आपको कुछ न्यूट्रल शेड है, इसका शेड नेम क्या होगा, बेज कलर में मिल रही है। ऐसे आपको ये ब्लॉक हील मिल जाएगी, इसको ब्लॉक हील ही बोलते हैं आई थिंक सो, यार मुझे बताना क्या पता मैं गलत बोल रही हूँ, बट ये बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि इसका ये जो आगे से ही मिल रहा है ना, सो उससे ना मेरा जो पंजा है वो बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। सो मुझे ये वाली हील भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगी, अच्छी लगी है, सोल की क्वालिटी भी सही है। ऑल्सो कलर ऐसा है कि सारे ड्रेसेस के साथ जाने वाला है। मैं ऐसे फर्स्ट टाइम, पता है मेरा फुटवेयर हॉल है, इससे पहले मैंने कभी फुटवेयर नहीं शो किया आपके साथ, सो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट फुटवेयर्स, बट ठीक है यार जो है वो है, नेचुरली शेयर करती हूँ मैं आप सबके साथ जो भी शेयर करती हूँ। सो आपको ये कुछ ऐसा फुटवेयर मिल रहा है, सही क्वालिटी है, 350 समथिंग में मैंने इन्हें बाय किया है, 350 से भी कम ही है। इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे बट मैंने थोड़ा सा सब पे जाए ऐसे वाला कलर लिया है, सब पे जाए, सो ये काफी अच्छा पेयर है, आप डेफिनेटली इनको बाय कर सकते हो। ट्राई ऑन भी ना मैंने बहुत मुश्किल से शूट किया है बिकॉज बहुत बस समझ जाओ यार, ठीक है। तो ये वाली हील है गाइस, आजकल हम सबको ग्लोइंग स्किन चाहिए, वो भी बिना मेकअप और बिना फिल्टर के, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है बिकॉज डर्ट, पोल्यूशन, लाइफस्टाइल, ये सब चीजें ना ऐसा होने ही नहीं देती। ऊपर से इतने सारे स्किन प्रॉब्लम लाइक अनइवन स्किन टोन, क्लॉग पोर्स, एक्ने मार्क्स, एक्ने स्पॉट और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम और कर देते हैं। ये सब चीजें ना मिलके हमारे स्किन को काफी ज्यादा डल बना देती हैं एंड फोर्स इनटू मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग सॉल्यूशन एज सच एज प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव क्लिनिकल ट्रीटमेंट एंड दी स्किन केयर रेजिमेंस इवॉल्विंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आजकल के हेक्टिक लाइफस्टाइल में हमें चाहिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हार्ड वर्किंग हो और रिजल्ट भी उसका विजिबल दिखे। द डर्माकोस 15% BHA 1% AHA बिगिनर्स पीलिंग सॉल्यूशन एक जेंटल सॉल्यूशन है जो कि डीपली स्किन में जाके एक्सफोलिएट करता है, ऑल्सो स्किन को क्लियर भी बनाता है। गाइस ये एक अकेला प्रोडक्ट काफी है आपकी स्किन से डलनेस को, अनइवन स्किन टोन को, लार्ज पोर्स, ब्लेमिशेस जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। गाइस क्योंकि इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड जो कि एक फॉर्म है AHA का, इफेक्टिव है डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए। इट हैज सैलिसिलिक एसिड इज अ BHA गो डीप इनटू द पोर्स टू रिमूव डेड स्किन सेल्स। ऑल्सो सैलिसिलिक एसिड हमारे स्किन से सिबम को भी रिमूव करता है एंड क्लियर स्किन बनाता है। एंड गाइस ये पीलिंग सॉल्यूशन आपको
नेचुरली ग्लो देता है फॉर फिल्टर फ्री फोटो के लिए। आफ्टर यूजिंग दिस पीलिंग सॉल्यूशन डोंट फॉरगेट टू अप्लाई आवर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन विद एसपीएफ 50 पीए 4 टाइम प्लस आपको यूवीए एंड यूवीबी रेज से प्रोटेक्ट करेगा। ऑल द प्रोडक्ट्स बाय द डर्माको आर फ्रेग्रेंस फ्री। और गाइस डर्माको की एक सबसे अच्छी बात, द डर्माको हैज एम्पावर्ड 10,000 प्लस स्टूडेंट्स दिस ईयर विद देयर यंगेस्ट साइंटिस्ट इनिशिएटिव। एवरी टाइम यू विल बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। ऑल्सो गाइस डर्माको के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है नायका पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, ऑल्सो डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड अगर आप इसको डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं सो यू कैन यूज माई डिस्काउंट कोड विच इज प्रांजल 2023 टू गेट 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो गाइस सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड नेक्स्ट, मैंने ना आजकल मैंने नोटिस किया है कि ट्रांसपेरेंट हील्स का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। सो दो मैंने ट्रांसपेरेंट हील भी ऑर्डर की है। फर्स्ट है ये वाली प्रॉपर व्हाइट कलर में और ट्रांसपेरेंट, बहुत 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 ही ज्यादा प्यारी लग रही है। मेरे पैर में उतना ज्यादा सूट नहीं करी बिकॉज मेरा पैर जो मतलब पंजे की साइड से ना बहुत चौड़ा सा है। सो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे पैर में सूट नहीं कर रही है, बट ऐसा नहीं कि बाकी किसी के पैर में सूट नहीं करी। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो उतनी ज्यादा मेरे को हील ना समझ में नहीं आती, सो मैं अपने लिए नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ आपके लिए जरूर बता सकती हूँ। सो ये ट्रांसपेरेंट है, काफी अच्छी लगी है मुझे। ऑल्सो इसका ये जो है ना हील पैटर्न, ये काफी पतलू सा है। ऑल्सो ये भी ट्रांसपेरेंट है और काफी अच्छी लग रही है ट्रांसपेरेंट हील ना, मुझे पहन के पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। और इसका सोल मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है एज कम्पेयर टू वो दोनों वाली हील्स, बट अच्छी है, क्वालिटी सही है, प्राइस अकॉर्डिंग तो मुझे सही लग रही है यार। और क्या ही लोगे आप 300-350 में, और ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो ट्रांसपेरेंट है ना इसमें स्वेटिंग वगैरह आ करके ना हमें मतलब चिपक सकता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, शू बाइट होती है ना, शायद वही होती है, पैर में जो छाला पड़ जाता है शायद वो भी लग सकता है। बट ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर मेरे साथ ऐसे होता है क्योंकि मेरे पैर की स्किन आई थिंक कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। सो बहुत सोच समझ के मुझे फुटवेयर सिलेक्ट करने पड़ते हैं, पर हाँ मुझे इतना पता है कि अगर मैं इनको वेयर करूंगी तो मेरे पैर में छाला जरूर पड़ जाएगा। आपके साथ भी ऐसा हो सो आप अपने हिसाब से देख लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लुक एट द ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म ब्लॉक, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस मैं बोले जा रही हूँ। ये वाली हील बहुत 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 प्यारी लगी है, ये मेरे पैर में भी अच्छी लग रही थी मुझे, व्हाइट कलर में है। और जो इनका ट्रांसपेरेंट है ना वो कुछ मतलब व्हाइट कलर में ही है और ऐसे स्ट्रैपी स्ट्रैपी सा लुक मिल जाएगा और नीचे से आपको ट्रांसपेरेंट मिल रहा है। और इसका ये भी ना मतलब काफी सही है, क्या बोलते हैं इसको यार पता नहीं, ये भी सही है। तो कंफर्टेबल है ये, पैर में अच्छे से सपोर्ट कर रही है, सोल क्वालिटी अच्छी है और सही है, मतलब अच्छी लग रही है मुझे ये भी। और साइज तो मेरा इनमें 5 है, मैंने आपको बता ही दिया। हील से पता है मेरे को ना नफरत है, बताऊं क्यों, मेरी मम्मी ने मेरे को हील से पीटा हुआ है इसीलिए। आई थिंक इस वाली या इस वाली किसी तो आंख पे मेरे निशान है और वो मेरी मम्मी का दिया हुआ है। हील का ये वाला जो कॉर्नर होता है ना उससे लगा था, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे चप्पल फेंक के मारी थी। मीम में ही नहीं होता है चप्पल फेंकने वाला सीन, एक्चुअली में भी होते हैं। और मेरी मम्मी ने मेरी आंख फोड़ी हुई है, आई थिंक ये वाली है, पता नहीं, देखो आप बताना मुझे कौन सी वाली, कोई सी तो है यार, मेरी बहुत गंदी वाली आंख फोड़ी थी मेरी मम्मी ने और बहुत सारा ब्लड निकला था, मोटी कर दी थी। ठीक है वो बचपन की बातें थी। अच्छा ठीक है। Hey guys, that was it for video. I hope ये video आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप भी और किसी चीज का हॉल देखना चाहते हैं जो कि आपको चाहिए कि मैं आपके लिए करूं, ऑर्डर करूं और आपके लिए वीडियो बनाऊं, सो मेक श्योर आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगी। ऑल्सो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ काफी सारा अफोर्डेबल कॉन्टेंट, लाइक अंडर 500, अंडर 200, 300, मैक्सिमम 1000 और बहुत ही ज्यादा कुछ ग्रैंड में अगर कर रही हूँ तो 1500, उससे ज्यादा मेरा बजट नहीं जाता है और ना ही मैं अपने ऑडियंस को उससे ज्यादा लेकर जाती हूँ, बिकॉज़ मैं ना अफोर्डेबल कैटेगरी में ही शॉपिंग करना पसंद करती हूँ। सो गाइज अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है सो क्या करना है आपको, सिंपली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, वही कर दो यार प्लीज यार, बहुत टाइम से 16,000 पे अटकी हुई हूँ, प्लीज इस नंबर को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, हमारी फैमिली को थोड़ा सा इंक्रीज करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। और अगर हील के नाम वाम बताने में मुझसे कोई मिस्टेक होगी हो तो सो सॉरी, बिकॉज मैंने आपको बताया यार हील वगैरह के बारे में मुझे उतना नहीं पता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।